हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका स्वागत है मेरे चैनल राखी की रसोई में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दिवाली से रिलेटेड वीडियो। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्लोटिंग कैंडल्स। फ्लोटिंग कैंडल्स घर पे कैसे बनाएं, मार्केट में काफ़ी कॉस्टली मिलती हैं और घर पे हम बहुत आसानी से बना सकते हैं और इसका जो सामान होता है वो घर पे ही मिल जाता है काफ़ी आसानी से। तो चलिए देखते हैं फ्लोटिंग कैंडल्स बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ये ग्लासेस लिए हैं जो मेरे पास हैं। आप कोई भी जो आपके पास कांच के ग्लास हो वो ले सकते हैं। और एक इस तरीके का मैंने बाउल लिया है कांच का। फिर मैंने यहाँ पे लिया है एसेंशियल ऑयल। फिर मैंने यहाँ पे लिया है ये गोल्डन कलर, एक्रिलिक कलर है, आप पोस्टर कलर भी ले सकते हैं। और कुछ कलर लिए हुए हैं। और ये ली है मैंने फूल वाली बातियां रुई की, जिनकी लंबी नोक है। और फिर ये मैंने कुछ फ्लावर लिए, ये फ्रेश फ्लावर है जो मेरे घर पे ही लगे हुए थे वही यूज किए। आप चाहे आर्टिफिशियल फ्लावर ले सकते हैं, कलरफुल रिबन ले सकते हैं, बीड्स वगैरह ले सकते हैं, स्टोन ले सकते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे लिया है मस्टर्ड ऑयल। फिर मैंने यहाँ पे ली है ये शीट, तो आप देख सकते हैं। तो ये प्लास्टिक सीट मैंने ली है और इसको मैं राउंड शेप में कट कर लूंगी, सर्कल में इसको काट लेंगे हम। और ये शीट हमें जो लेनी है प्लास्टिक सीट, ये थोड़ी सी मोटी वाली लेनी है, तो इसको मैंने कट कर लिया है और इसके मैंने तीन सर्कल कट कर लिए। अब हम इसको मोड़ लेंगे बराबर बीच से और अच्छे से प्रेस करेंगे। फिर हम इसको दूसरी साइड से भी मोड़ के अच्छे से प्रेस करेंगे और फिर एक फोल्ड और करेंगे और फिर इसको सीजर से बीच में छोटा सा कट लगा लेंगे, ताकि जब हम इसमें बाती लगाएं, जो हमने फूल बाती ली हुई है वो लगाएं, तो अच्छे से चली जाए। तो आप देख सकते हैं कितना छोटा सा छेद किया हुआ है मैंने। तो मैंने ये बाती ली है, अब इसको इसमें डाल देंगे छेद में और बाती को ऊपर खींच लेंगे। तो ये देखिए, तो इसी तरीके से प्लास्टिक सीट में मैंने बातियां डाल दी हैं तीनों। तो ये तीनों जो मैंने कप्स लिए हैं, जो ग्लासेस लिए हैं कांच के, इनमें मैं पानी डाल दूंगी और इनको बहुत ज़्यादा भरना नहीं है क्योंकि मैं अभी हम ऑयल भी ऐड करेंगे, तो इनको थोड़ा खाली ही रखना है। अब हम इसमें ये एसेंशियल ऑयल डालेंगे। आपको जो भी खुशबू पसंद हो उस हिसाब से आप एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मोगरे का लिया है। फिर हम इसमें कलर ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ पे रेड कलर ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स होने तक घुमाते हुए मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया है। फिर मैंने यहाँ पे लिया है ब्लू कलर और एक बाउल में हम जो हमने कांच का गिलास लिया है इसमें भी मिला लेंगे। और लाइट है तो हम इसको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। फिर एक जो कांच वाला बाउल है ना, उसमें हम ग्रीन कलर मिलाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितना कलरफुल लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। अब जो हमने मस्टर्ड ऑयल लिया था वो डाल देंगे। तो जितनी देर आपको जलाना है उस हिसाब से आप ऑयल कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा ऑयल डाल रही हूँ और तीनों में हम ऑयल ऐड कर देंगे। तो ऑयल आप देख सकते हैं पानी के ऊपर तैरने लगा है। और अब जो हमने ये बाती लगाई थी प्लास्टिक सीट में, तो बाती पे भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। इससे क्या है कि हमारी जो फ्लोटिंग कैंडल्स है वो काफ़ी अच्छी जलेगी। और इस तरीके से हम ये कांच के ग्लासेस में डाल देंगे। और फिर मैंने यहाँ पे लिया है फ्लावर और डेकोरेट करने के लिए इस फ्लावर को भी डाल देंगे। आप चाहे कलरफुल रिबन या फिर स्टोन वगैरह भी डाल सकते हैं। तो अब देखिए मैं यहाँ पे
इनको जला रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही हैं ये फ्लोटिंग कैंडल्स और कितनी आसानी से बनके तैयार हो गई हैं। तो आप भी इस दिवाली ये फ्लोटिंग कैंडल्स अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और आप लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं।